हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूनम। फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको हर सेंटेंस में 3 सेकंड्स दूंगी जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में कुछ यूजफुल सेंटेंसेस हैं, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और प्रैक्टिस ज़रूर करें। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज, क्या यह आपके लिए आसान था? इस सेंटेंस का यूज़ आप तब करते हैं अगर किसी ने कोई काम कंप्लीट किया है और वो हर किसी के लिए इजी नहीं था, तो आप उस टाइम पे इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। आप इंग्लिश में कहेंगे, वॉज इट ईजी फॉर यू, वॉज इट ईजी फॉर यू, नाउ इट्स योर टर्न। द नेक्स्ट वन इज, इसमें हंसने की क्या बात है? इफ़ यू आर शेयरिंग समथिंग विद योर फ्रेंड्स एंड वन ऑफ देम इज लाफिंग ऑन दैट थिंग, so you can use this sentence that time. You can say this sentence in English, what's so funny in it? What's so funny in it? Now it's your turn. The next one is, आप यहाँ कब से हैं? If you want to know from someone कि वो यहाँ कब से हैं, so you can ask him by saying this question. You can say this sentence in English, how long you have been here? How long you have been here? Now it's your turn. The next one is, क्या तुम इससे खुश हो? You can say this sentence in English, are you happy with it? Are you happy with it? Now it's your turn. The next one is, कहने और करने में बड़ा अंतर है। You can say this sentence in English, there is a big difference between saying and doing. There is a big difference between saying and doing. Now it's your turn. The next one is, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं कुछ कहना चाहूंगी। इस सेंटेंस का यूज आप कई जगहों पर कर सकते हैं, लाइक इफ यू आर सिटिंग इन अ मीटिंग रूम एंड यू वॉन्ट टू पुट योर व्यूज, सो फर्स्ट यू हैव टू टेक परमिशन, दैट टाइम यू कैन यूज दिस सेंटेंस एंड यू कैन से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, इफ यू अलाउ मी आई वॉन्ट टू से समथिंग, If you allow me, I want to say something. Now it's your turn. The next one is, मैंने उसको वहाँ नहीं जाने की सलाह दी। Friends, you can use this sentence that time if you gave advice to someone that you should not go there and now you are telling to someone. So you can say this sentence in English, I advised him not to go there. I advised him not to go there. Now it's your turn. द नेक्स्ट वन इज, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दीजिए। फ्रेंड्स, इफ समवन इज आस्किंग यू समथिंग एंड यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट, यू वॉन्ट सम मोर टाइम टू आंसर हिम, दैट टाइम यू कैन यूज दिस सेंटेंस एंड यू कैन से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, गिव मी सम टाइम टू थिंक, गिव मी सम टाइम टू थिंक, नाउ इट्स योर टर्न। द नेक्स्ट वन इज, क्या वो अंग्रेजी बोल पाती है? फ्रेंड्स, यू कैन यूज दिस सेंटेंस दैट टाइम अगर आप जानना चाहते हैं दैट शी कैन स्पीक इंग्लिश और नॉट, सो यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन, यू कैन से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, डज शी स्पीक इंग्लिश, डज शी स्पीक इंग्लिश, नाउ इट्स योर टर्न। द नेक्स्ट वन इज, क्या तुमने उसका इंस्टाग्राम पोस्ट देखा? फ्रेंड्स, इफ योर फ्रेंड पोस्टेड सम कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम, आपने वो पहले ही देख लिया, अब आप किसी अपने दूसरे फ्रेंड से पूछ रहे हैं, सो यू कैन से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, Did you see her Instagram post? Did you see her Instagram post? Now it's your turn. The next one is, मेरे सामने इस तरीके की बात मत करो. You can say this sentence in English, Don't talk this way in front of me. Don't talk this way in front of me. Now it's your turn. The next one is, तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है. If someone has a good memory, so you can appreciate him by saying this sentence. So you can say this sentence in English, You have a very good memory. You have a very good memory. Now it's your turn. The next one is, मेरे सामने अच्छा होने का नाटक मत करो. You can say this sentence in English, Don't pretend to be good in front of me. Don't pretend to be good in front of me. Now it's your turn. The next one is, तुमने मेरा मूड खराब कर दिया।
You can see this sentence in English. You spoiled my mood. You spoiled my mood. Now it's your turn. The next one is उसका कल एक्सीडेंट हो गया था. You can say this sentence in English. He had met with an accident yesterday. He had met with an accident yesterday. Now it's your turn. The next one is मेरे दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं है. You can say this sentence in English. There is nothing for you in my heart. There is nothing for you in my heart. Now it's your turn. The next one is तुम्हें क्या हुआ? You can say this sentence in English. What happened to you? What happened to you? या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं. What's wrong with you? What's wrong with you? Now it's your turn. The next one is आज कौन सा दिन है? अगर आपको नहीं पता है कि आज कौन सा दिन है तो आप इस क्वेश्चन का यूज़ कर सकते हैं. आप इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ द डे टुडे. व्हाट इज़ द डे टुडे. नाउ इट्स योर टर्न. द नेक्स्ट वन इज़ या तो तुम बोल लो या मुझे बोलने दो. इसे आप इंग्लिश में कहेंगे इधर यू स्पीक और लेट मी स्पीक. इधर यू स्पीक और लेट मी स्पीक. नाउ इट्स योर टर्न. The next one is तुम भरोसे के लायक नहीं हो. इसे आप इंग्लिश में कहेंगे यू आर नॉट ट्रस्टवर्थी. यू आर नॉट ट्रस्टवर्थी. नाउ इट्स योर टर्न. द नेक्स्ट वन इज तुम क्या सोच रहे हो. इफ समवन इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू और वो कुछ सोच रहे हैं सो यू कैन आस्क हिम बाय सेइंग दिस क्वेश्चन. आप इंग्लिश में कहेंगे व्हाट आर यू थिंकिंग. व्हाट आर यू थिंकिंग. Now it's your turn. The next one is क्या तुम इसमें दिलचस्पी रखते हो. इसे आप इंग्लिश में कहेंगे आर यू इंटरेस्टेड इन इट. आर यू इंटरेस्टेड इन इट. नाउ इट्स योर टर्न. द नेक्स्ट वन इज सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही है. इसे आप इंग्लिश में कहेंगे एवरीथिंग इज अप टू यू. एवरीथिंग इज अप टू यू. नाउ इट्स योर टर्न. The next one is यह possible नहीं है. इसे आप इंग्लिश में कहेंगे It's not possible. It's not possible. Now it's your turn. The next one is मेरा सपना आखिरकार पूरा हो गया. इसे आप इंग्लिश में कहेंगे My dream finally came true. My dream finally came true. Now it's your turn. The next one is मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट माइंड इट. आई डोंट माइंड इट. नाउ इट्स योर टर्न. द नेक्स्ट वन इज मुझे यहाँ बहुत आसान लगा. इसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई फाउंड इट वेरी इजी. आई फाउंड इट वेरी इजी. नाउ इट्स योर टर्न. The next one is पहले उसे बोलने दो. इसे आप इंग्लिश में कहेंगे लेट हिम स्पीक फर्स्ट. लेट हिम स्पीक फर्स्ट. नाउ इट्स योर टर्न. द नेक्स्ट वन इज मेरी नौकरी तनाव वाली है. इसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई हैव अ स्ट्रेसफुल जॉब. आई हैव अ स्ट्रेसफुल जॉब. नाउ इट्स योर टर्न. द नेक्स्ट वन इज आप जैसे लोग मैंने बहुत देखे हैं. इसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई हैव सीन मैनी पीपल लाइक यू. आई हैव सीन मैनी पीपल लाइक यू. नाउ इट्स योर टर्न. द नेक्स्ट वन इज क्या यहाँ कोई आया था. इसे आप इंग्लिश में कहेंगे इज एनी वन केम हियर. इज एनी वन केम हियर. नाउ इट्स योर टर्न. The next one is उनके पिछले महीने ही शादी हुई. They got married last month. They got married last month. Now it's your turn. So friends, I hope कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और जो हर सेंटेंस में मैंने आपको 3 सेकेंड्स दिए उसमें आपने ज़रूर प्रैक्टिस की होगी.
फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और वीडियो बनाने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग मोर वीडियोज़।